टाइगर 3 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। टाइगर 3 के ट्रेलर को फैंस का खूब प्यार भी मिल रहा है। टाइगर 3 में ढेर सारा एक्शन भी है और सलमान खान का अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। लेकिन टाइगर 3 की जान या कहें कि टाइगर 3 की यूएसपी जो बनकर उभरी है वो है जोया कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ टाइगर 3 में खूब एक्शन कर रही हैं, उनका एक्शन पसंद भी आ रहा है और उनका टॉवेल में एक्शन वाला सीन तो सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हो रहा है। कुल मिलाकर जोया ने आगाज कर दिया है बॉलीवुड में टॉप हीरोइन के एक्शन करने का। हालांकि इससे पहले भी जोया दो पार्ट में भी एक्शन करती नजर आई हैं, लेकिन उनमें टाइगर हावी रहा था। इससे पहले अगर एक्शन की बात करें तो पठान ने दीपिका पादुकोण ने भी एक्शन किया शाहरुख खान के साथ, लेकिन टाइगर 3 में एक्शन का ये लेवल कुछ और बढ़ गया है। और कैटरीना कैफ पूरे ट्रेलर के अंदर सलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक्शन करती नजर आ रही है। सिर्फ कैटरीना कैफ ही नहीं, आने वाले दिनों में दीपिका पादुकोण भी जबरदस्त एक्शन करती दिखेंगी, ऐसा एक्शन जो फैंस के रोंगटे खड़े कर देगा। बेशक ये एक्शन हमें दिखेगा फिल्म सिंघम अगेन। कुछ दिन पहले ही रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन का एक लुक रिलीज किया था। इस लुक में शक्ति शेट्टी नजर आई थी। शक्ति शेट्टी यानी कि सिंघम यूनिवर्स की लेडी सिंघम, लेडी सिंघम यानी कि दीपिका पादुकोण। इस तरीके से रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम के तौर पे एंट्री कर चुकी हैं और रोहित शेट्टी इशारा कर चुके हैं कि उनका एक्शन और अंदाज दोनों ही बहुत खतरनाक रहने वाले हैं। कुल मिलाकर बॉलीवुड में ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि हीरोइनों को हीरो के बराबर एक्शन करने का मौका मिल रहा है, वो भी ऐसी एक्शन फिल्मों में जो अपने हीरो के लिए पहचानी जाती हैं, चाहे फिर वो टाइगर 3 का टाइगर हो या फिर सिंघम अगेन का सिंघम। लेकिन अब जोया और शक्ति शेट्टी फैंस को एक्शन की डबल डोज देने के लिए तैयार है। यही नहीं, इस हफ्ते रिलीज हो रही गणपत में भी कृति सैनन का एक्शन अंदाज दिखेगा, वो भी टाइगर श्रॉफ के साथ जमकर एक्शन करेंगी। इस एक्शन के लिए तो कृति सैनन ने 9 महीने की ट्रेनिंग भी ली है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड की हीरोइनें अब बॉलीवुड के हीरो से किन्हीं महीनों में कम नहीं है। डायरेक्टर भी इस बात को समझ रहे हैं और उन्हें वो एक्शन करने का मौका दे रहे हैं जो एक्शन अभी तक सिर्फ हीरो करते नजर आए थे। अगर हम टाइगर 3 की बात करें तो टाइगर 3 12 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है और सिंघम अगेन हमें 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। बेशक थोड़ा इंतजार बाकी है। अगर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस और ब्लॉकबस्टर रहती हैं तो इनमें जोया और शक्ति का भी बराबर का योगदान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया दोस्तों।